मैं बहुत इंजॉय करता हूँ कॉमेडी, मैं इंटरनेशनल भी देखता हूँ स्टैंड अप रूटीन्स, बहुत फॉलो भी करता हूँ बहुत सारे कॉमेडियंस को। ऐसा क्यों है कि उधर ओके सीन है, हालांकि अगर देखा जाए तो वही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना ये कि यार नहीं आपने फेमिनिज्म और पूरी हर चीज़ों को लेके चलना है, किसी एक सेक्शन को या सेगमेंट को आपने साइडलाइन नहीं कर देना, वहां पे तो खुली आजादी है वो तो। सर यहाँ पर ये देखिए, मॉर्निंग शो में नाइट शो का डांस हो रहा होता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी को बुरा नहीं लगता। अगर मॉर्निंग शो में बैठ के मैंने कोई ऐसा जुमला बोल दिया थोड़ा सा जूम आने तो उस पर पाबंदी हो जाती है। बात अभी एक शो का, हम अभी एक शो की हमने नाम नहीं लेंगे, वहाँ पे जो लड़कियों की जो ड्रेसिंग थी वो अगर आप ड्रेसिंग देख लें आप बोलेंगे आप थाईलैंड में शो कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि यार जूम आने नहीं करना। सारी जूम आने बैठी थी, हालांकि आपके इंटरनेशनल जो वेस्टर्न कॉमेडियंस हैं वो कर जाते हैं, वो शुगर लगा देते हैं इस तरह के, वो मजाक हंसी मजाक हो रहा था, दैट्स द कॉन्सेप्ट। एक रोस्टिंग का जो फॉर्मेट है इतना पॉपुलर है इंटरनेशनली, इंडिया में भी उन्होंने कोशिश की, आपको लगता है कि उस तरह की चीज पाकिस्तान में हो सकती है? रोस्ट करें भाई, सोशल मीडिया पे ही हो सकती है, अब टेलीविजन वाले तो नहीं करेंगे ना सर। मैं कोई एक बात कर दूंगा आप तो हंस तो लोगे, बाद में बोलेंगे इट्स वेरी चीप। अब मजाक वो होना सर, हम कोशिश है मजाक करें, उड़ा ही नहीं, मजाक ऐसा हो कि मैं आपके जूते पे चढ़ जाऊं और जूते गंदे भी ना हो, गंदे भी ना हो, बैठा हूं ना इसलिए गंजा कर। हां ये गंजा। अब लोग बात के दो मतलब निकालते हैं, हर बात के दो मतलब होते हैं सर। अब एक लफ्ज है आप उसको आप ले लें अपने तरीके से, मैं तो सही कह रहा हूं। अब एक लफ्ज है जान ले लो मेरी, उसी का है जान ले लो मेरी। अच्छा अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप बंद कराएंगे मेरा शो। आपको कौन सा वाला अच्छा लगा? आपको कौन सा अच्छा लगा? कौन है कौन सा वाला अच्छा लगा? मुझे तो पहला वाला ही पसंद है। हाँ, आज पहले वाले अच्छा, मुझे पहला वाला पसंद है। हाँ, पहले वाले में दूसरा वाला मेरे टाइप का नहीं है। लेकिन ये तो है, अब देखा हमारी एक बहुत बड़ी हीरोइन है, इसने उनको फूल दिया ना, उन्होंने ऐसी खुशी में इसको हक कर लिया, ये भागने लगा। वो कहती कहाँ जा रहे हैं? कह रहे 10 मिनट रुके गुलदस्ता लेकर आता हूँ। मैं समझा कोई पैकेज है। हाँ? सर कि अभी फूल दिया है तो गुलदस्ते पे फिर ज्यादा माहौल बनेगा। बड़ी आपने एक इंटरेस्टिंग बात की कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है आजकल। हाँ। तो ये हर किसी के पास फोन्स हैं। हाँ। और आप जाते भी अपीयरेंसेस भी ज्यादा हो गई हैं, शोज भी ज्यादा हो गए हैं, देन ऑब्वियसली टेलीविजन शोज भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। वो जो एक फैक्टर है यार कि हमने जोक रिपीट नहीं करना। हाँ। सर ऐसा ही है, ऐसा वो, ही है वो प्रेशर कितना आप लोग सर आप ये देखिए चौधरी साहब के आप मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक गली का फंक्शन और एक 5-स्टार होटल का फंक्शन, जो आर्टिस्ट वहां गाना गा रहा है ना अल्ले मुंजा माडू अड़ा जुगनी ओ लाल मेरी दाने पे दाना, वो उस उधर भी गा रहा है 5-स्टार में, लेकिन हम जो जोक वहां कर रहे हैं वो वहां नहीं कर सकते। और जो दूसरी एक जगह कर लिया वो कहते हैं दूसरी जगह नहीं करना, नहीं करना। सिंगर के लिए बड़ी आसानी है, मैं से ये कहता कोई गाना गा ले हो सकता हिट हो जाए, वो हवा हवा 35 साल से हवा ही खत्म नहीं हो रही। नहीं वो उमर शरीफ साहब कहते थे ना मरूम अल्लाह जन्नत नसीब करे कि ऑडियंस का थर्मामीटर देख लो कि क्या क्या उसका लेवल क्या है, लेवल क्या रहा है, तो हम 2-4 जोक सुना के चेक कर लेते हैं कि इस पे नहीं आया तो अब हाँ उस दो पे आ गया तो उस दो के रिलेटेड उसको जोक्स को हमें तो क्या वो कंप्यूटर में जखीरा मौजूद है वो अल्लाह ताला डालता है। वो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जोक्स पे बात नहीं चलती थी बात से बात निकल आती है। कई कॉर्पोरेट शोज में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं यार ये 10 लोग हैं इनको बुलाना है आपने स्टेज पर इनसे बातें करनी तो उसी में 1 घंटा निकल जाता है बात खत्म पैसे लिए घर वाली बात। पाकिस्तान में जो किस बात पे ताली यही मैं सोच रहा हूँ क्या है अभी तो कोई बात ये पैसों पे थी या घर जाने पे थी।